आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन शख्सियत से जिन्होंने समाज में अहम योगदान दिया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जनता जिनके बारे में जानने में दिलचस्पी भी दिखाती है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे काम करे हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ सीरियल नहीं करे हैं, फिल्में नहीं करी हैं, थिएटर भी करा है और वो एक साइंटिस्ट भी है। अगर सीरियल्स की बात करें तो उड़ान, संविधान, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, रजिया सुल्तान जैसे सीरियल्स में आपने उन्हें जरूर देखा होगा। साथ ही अगर बात करी जाए सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की तो उसके भी कई एपिसोड्स में आप उन्हें देख चुके होंगे। फिल्मों की बात करी जाए तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बाटला हाउस, इश्क ज़ादे, थप्पड़ जैसी मूवीज में भी आपने इस शख्सियत को जरूर देखा है। जी हाँ, हम उसी कॉमन इंसान की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने इन सभी सीरियल और मूवीज में देखा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से और जानेंगे इनके जीवन के सफर के बारे में, इनके कुछ अनसुने किस्से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये एक साइंटिस्ट भी है, थिएटर आर्टिस्ट भी है जिन्होंने कई थिएटर्स करे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि साइंटिस्ट से लेकर थिएटर तक का आपका सफर कैसा रहा, कैसे आप साइंटिस्ट से एक थिएटर आर्टिस्ट बन गए। देखिए, ऐसा है कि साइंस तो मेरा प्रोफेशन रहा है। मेरे ब्रदर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इत्तेफाक से जिस साल मैं 60 मैंने BSc किया, उसी साल नया सब्जेक्ट खुला था बायोकेमिस्ट्री, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने उसमें एडमिशन लिया। बायोकेमिस्ट्री से मैंने MSc किया, PhD किया, CDRI में जॉब किया। हुआ ये था कि थिएटर मेरे मोहल्ले में हुआ करता था, तो मैं देखा करता था, तो मुझे लगता था कि लोग कैसे करते होंगे। एक बार मुझे साइंस एग्जीबिशन हुई, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने किया और जब मैंने उसको किया तो साहब बड़ी तारीफ हुई। एंड दिस वॉज अराउंड 60-62 के बीच में ही, तो ये 62 बड़ा इवेंटफुल ईयर रहा मेरे लिए। 62 मैंने MSc किया, 62 मैंने CDRI ज्वाइन किया, लगभग 62 के मैंने थिएटर शुरू किया और 62 में ही मेरी शादी भी हुई। तो दिस वॉज वेरी इवेंटफुल ईयर। तो क्या होता है कि आपको जब आप कोई काम करते हो उसे आपको रिकग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, तो आपको लगता है कि हम और इसको और ज़्यादा करें। देखिए, आप किसी के लिए ले लीजिए, एवरीबडी वर्क्स फॉर रिकग्निशन, रिकग्निशन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो इत्तेफाक से मैंने देखा कि थिएटर जो है आपको रिकग्निशन भी देता है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी देता है, तो मैंने शौकिया इसको शुरू किया। इत्तेफाक की बात थी कि इसमें मुझे सपोर्ट भी मिलता रहा लोगों का, जैसे मेरे घर के लोगों ने सपोर्ट किया। अब आप सोचिए, नई नई शादी और आप 11 बजे रात में रिहर्सल करके लौटे, क्योंकि साइंस की भी जिम्मेदारी मेरे साथ। मैंने बताया कि मैंने 62 में एज जूनियर रिसर्च फेलो मैंने CDRI ज्वाइन किया था जी। मुझे अपनी PhD भी करना था, तो उसमें मैं टाइम देता था। तो धीरे धीरे, तो जब चूँकि मुझे वहाँ से भी सपोर्ट मिली, इधर सपोर्ट मिली, जो मेरे गुरुजी थे राजेश्वर बच्चन जी, उन्होंने मुझे नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस किया, उनसे मुझे सपोर्ट मिली। तो इस सपोर्ट के मिलने से जो धीरे धीरे जो शौक था मेरा, ये एक जुनून में बदलने लगा। और वो जुनून फिर एक ऐसा नशा चढ़ करके हुआ कि मैं फिर थिएटर में धीरे धीरे काम करता ही रहा। और इत्तेफाक की बात कि 72 में मुझे दर्पण में काम करने का मौका मिला। दर्पण में यहाँ स्वदेश बंधु जी थे, प्रोफेसर सत्यमूर्ति थे, गौरमिल कुमार थपलियाल जी थे, विमल बनर्जी थे, इन सब लोगों को मैं देखता था। इनका मैंने प्ले देखे थे, इन्होंने किए थे, मैं देखता था क्या नाटक करते हैं लोग। तो जब मुझे मौका मिला, 71 में इन्होंने नाटक किया था, खामोश अदालत जारी मैंने देखा था, तो इनसे बड़ा मैं मुतासिर हुआ था। इत्तेफाक की बात 72 में बंधु जी, स्वदेश बंधु जी मेरी लैब में आए, बोले अनिल जी हम एक NSD का डायरेक्टर बुला रहे हैं, आप काम करेंगे। और भाई मैं कहूँगा बिल्ली के भागों छीका फूट गया, मुझे क्या चाहिए था। मैं फौरन मैंने कहा कि मैं करूँगा। और तब से जो मैं दर्पण में गया, देन देर वॉज नो लुकिंग बैक। दर्पण मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला
कि जिसने मुझे, जिसके कलाकारों ने, प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी ने जो उसके फाउंडर थे, उनसे मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। बीच में मैं 2 साल 1.5 साल के लिए मैं विदेश चला गया, जर्मनी, तो वहाँ भी मैं मिस करता था। मैं लोगों से ख़त किताबत से, फ़ोन तो थे नहीं वैसे, क्या भाई नया क्या हो रहा है। तो जब मैं लौट के आया, 73 में गया था, जब 74 में लौट करके आया, तो सत्यमूर्ति जी ने मुझे जिम्मेदारी दी, ट्रेजरर बना दिया जी। और उन्होंने देखा कि लड़का जो है, इसको एक्टिंग में तो इंटरेस्ट है, मैनेजर भी अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने धीरे धीरे मैनेजमेंट का काम मुझे देना शुरू किया। फिर 78 में मैं दर्पण का सेक्रेटरी हो गया, जो मैं फिर 38 साल तक मैं रहा। जब मैं बॉम्बे में था तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मैंने छोड़ा। तो उससे हुआ ये कि मैं एक एज ए मैनेजर काम को एंजॉय करता था और एक्टिंग तो एंजॉय करता ही था जी। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे सपोर्ट मिलती रही, मुझे थपलियाल जी जैसे निर्देशकों का साथ मिला जी। थपलियाल जी इसके फाउंडर मेंबर थे, उनके कई मेजर प्लेज में मुझे लीड रोल करने को मिला। फिर इसके अलावा मैंने, जैसे मैंने बताया कि दर्पण मैंने शुरुआत की थी बीवी कारंथ जी से, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी हुए जी। और उस समय वो बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे। फिर बंसी कौल, उसके बाद में अजय कार्तिक, अलोपी वर्मा, ये सब लोग नेशनल, फिर यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी इस्टेब्लिश हो गया था 75 में। यहाँ जो टीचर्स थे, जुगल किशोर, चित्रा मोहन, क्या नाम है, अरुण त्रिवेदी, सबके साथ मैंने काम किया। सर, थिएटर से फिल्मों तक का सफर, और अगर बात करी जाए इशकजादे की, तो इशकजादे जिससे आपको काफी पहचान मिली, अगर कोई नहीं भी जानता है आपको, तो अगर किसी को बता दो इशकजादे के दद्दू, तो हर कोई आपको पहचान जाएगा। तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था इशकजादे का? हाँ देखिए, ऐसा हुआ कि जब मैं करने लगा, तो मैं जो भी काम मैंने किया, ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही मैं कहूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ें, साइंस और थिएटर, निभा पाना बड़ा मुश्किल था। फिल्म वगैरह तो बाद की चीज़ें हैं, शुरुआत मैंने थिएटर से जैसा काम मैंने की, 72 में दर्पण में आया, 71 से मैंने रेडियो शुरू किया। मैं, मेरे एक मित्र थे एमएल बाला साहब, मुझे रेडियो में ले गए, भाई अनिल तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं बड़ा डरता था रेडियो, उस समय आप सोचिए कि रेडियो के कलाकार फिल्म से ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। और जब मैं कमल जी से मिला, जयदेव शर्मा कमल जी से, मेरे कपड़े की शॉप थी मेरे फादर की, वहाँ आए, मुझे लगा जैसे मैंने भगवान को देख लिया। जयदेव शर्मा, कमल प्रस्तुत करना, कभी सोचा नहीं था कि मुझे इनके सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं करता रहा काम रेडियो में, मैंने 71 से, जब 75 में यहाँ टेलीविज़न आया, मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं प्लेस करता रहा। फिर 87 था शायद, उसमें सुधीर मिश्रा जी ने अपनी फिल्म बनाई यहाँ, ये वो मंजिल तो नहीं, जो नेशनली एक्लेम्ड और अवार्डेड फिल्म है, उसमें आलोपी वर्मा जी मुझे ले गए, उसे मुझे काम करने का मौका मिला। फिर कई फिल्में बनी, उसमें मैंने रोल करता रहा, लेकिन उससे कोई ख़ास मेरी पहचान नहीं बनी थी। लेकिन 1990 में जब कविता चौधरी ने मेरा सिलेक्शन किया उड़ान सीरियल के लिए, दैट गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। आप को यकीन नहीं होगा, मैं जाता था जैसे ग्वालियर गया या दूसरे शहरों में, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में, या कहीं एग्ज़ाम लेने गया, या कहीं वाइवा लेने गया, तो लोग सोचते नहीं थे कि यार ये उड़ान का SSP बशीर अहमद है। पीपल कुड नेवर बिलीव कि वो आदमी यहाँ एग्ज़ाम लेने आ रहा है, वो तो एक कोई कलाकार होना चाहिए। तो उड़ान ने मुझे, कविता चौधरी जी ने मुझे नेशनल रिकॉग्निशन दिया। उसके बाद छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन थिएटर में मैं पूरे शिद्दत के साथ मैं लगा रहा। और थिएटर जो आपने 600 कहा, 600 नहीं, मैंने करीब 900 से ज़्यादा शोज़ किए हैं ऑफ 99 प्लेज, 99 नाटक हैं, जिसके पूरे हिंदुस्तान में मैंने 900 से ज़्यादा शोज़ किए हैं। लेकिन एक जो ख़ास ब्रेक जो मुझे मिला, वो जैसा आपने कहा मुझे मिला इशकजादे फिल्म में। इत्तेफाक से यहाँ उसका ऑडिशन हो रहा था, जिसने ऑडिशन मेरा लिया था, टॉयलेट एक कथा में की जो हीरोइन है, शी वॉज माई कास्टिंग डायरेक्टर, उसने मुझे लिया। जब 2-3 बार जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मेरा रोल उन्हें अच्छा लग रहा है। और हबीब फैजल साहब को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया है, कितना इम्पोर्टेंट रोल देना। अगर आप फिल्म में देखें, वो एक ऑलमोस्ट एक सेंट्रल कैरेक्टर है
जिसके अराउंड स्टोरी घूमती है, चाहे परिणीति हों चाहे अर्जुन कपूर हों। अर्जुन भी उसमें नए नए आए थे, परिणीति भी सिर्फ एक फिल्म की हुई थी, तो इसलिए वो लोग बड़ा कोऑपरेट भी बहुत करते थे। और हबीब साहब वॉज एन एक्सीलेंट डायरेक्टर। मैं बेसिकली अपने को डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ, कि डायरेक्टर जैसा चाहता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने इशकजादे कर ली तो फिर मुझे बॉम्बे से कॉल आई। एक सीरियल आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसकी कास्टिंग डायरेक्टर थी रीमा गुप्ता। तो मैं अपने बॉलीवुड जाने का सारा क्रेडिट रीमा गुप्ता को देता हूँ। शी परसुएडेड मी टू कम टू मुंबई। आप सोचिए मेरी उम्र उस समय 70 साल की थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 2012 में, आई वॉज ऑलमोस्ट 70 ईयर। तो उस समय तो लोग वापस आते, वो मुझे काम के लिए बुला रही थी, बट माई फैमिली सपोर्टेड मी, माई सन, माई डॉटर इन लॉ, माई वाइफ। तो माई सन परचेज मी ए फ्लैट ऑल्सो देर। फिर 5 साल जम करके मैंने बम्बई में काम किया, 2013 से 2018 तक। मैंने डेली सोप्स भी किए, मैंने टीवी कॉमर्शियल्स भी किए, मैंने फिल्में भी की। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही। फिर 18 में मैं, बिकॉज ऑफ माई फैमिली एफिलिएशन, माई ग्रैंड सन वॉज हियर, सो आई केम बैक। लेकिन वो जो मुझे एक एक्सपोजर जो मिला, आप सोचिए मुझे दो बहुत अच्छे काम वहाँ और करने को मिले। मैंने रेणुका शाहने जी की एक शॉर्ट फिल्म, 10 मिनट की मराठी फिल्म की आठवण, आठवण मीन्स मेमोरी, वो डिमेंशिया के ऊपर बेस्ड फिल्म है, उसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया है इसमें। उसको मैं एक अपने बहुत अच्छे काम मानता हूँ। उसको नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा मुझे एक फिल्म करने को मिली मुक्ति भवन, जो बनारस में शूट हुई थी, वो भी मुझे सुभाषीष भूटियानी की फिल्म, उसे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये मिला कि बॉम्बे की जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके डेटा बैंक में या डेटाबेस में मेरा नाम आ गया। तो उससे फिर मुझे और काम करने को मिलते रहे। अब उसकी वजह से जो मुझे सबसे बड़ा और एक्सपोजर मिला, वो मिला मुझे जो OTT पे अभी वेब सीरीज आई आश्रम। आश्रम का सिलेक्शन शायद, या मुक्ति भवन का सिलेक्शन जो सुभाषीष ने या संजय भूटियानी ने किया, या सुभाष झा जी ने, प्रकाश झा जी ने मुझे इसके लिए, शायद वो इशकजादे की वजह से किया। बट दिस वेब सीरीज आश्रम, पर्टिकुलरली इट्स Season 2, गेव मी लॉट ऑफ एक्सपोजर। उसकी वजह से फिर मुझे बहुत काम मिलने लगा। लोकल जो बच्चे काम करते थे वो भी चाहते थे कि अनिल रस्तोगी उनके साथ आए, कम बजट में काम कर लें, एंड आई ट्राई टू कोऑपरेट विद एवरीबडी। बॉम्बे से भी मुझे मिलने लगा। तो उसकी वजह से मेरी, जैसे बड़ी बड़ी वेब सीरीज, आप सोचिए मीरा नायर की वेब सीरीज द सूटेबल बॉय, उसमें मुझे काम करने को मिला, जो BBC में रिलीज हुई, इंग्लिश में थी वो। इत्तेफाक से उन्होंने डबिंग हिंदी की जो थी वो हमारा रोल किसी दूसरे से कराया। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि जो इंग्लिश में जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, अगर वो हिंदी के हैं तो हिंदी में ही उनसे कराना चाहिए था। बट एनीवेज, मुझे रक्तांचल जैसी वेब सीरीज मुझे मिली, उसके पार्ट टू में मुझे एक कैरेक्टर करने को मिला। आश्रम का Part 1, Part 2 मैंने किया, आश्रम का Part 3 आने वाला है, उसमें भी मेरा रोल है। मैंने बिंदिया करके एक वेब सीरीज है, उसमें मैंने काम किया, रोहतक सिस्टर्स है। तो काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह मुझे मिलने लगी, और फिल्में भी मुझे बहुत मिली। एक धीरज मिश्रा जी हमारे मित्र राइटर हैं, उनकी लिखी हुई कई फिल्म्स मैंने की। अभी 27 मई को शायद एक फिल्म मेरी रिलीज़ होगी, गालिब, जो कि एंटी टेररिज्म है। फिर उनके साथ मैंने एक दीनदयाल उपाध्याय जी पर मैंने एक फ़िल्म की, और आलिंगन के साथ फिल्म की, अभी कई सारी फिल्में कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो मेन मैं क्रेडिट देता हूँ, जैसे पहले मेरा रहा उड़ान, उसके बाद में आया आठवण, फिर आया मुक्ति भवन, इशकजादे, और उसके बाद ये मुझे जो असली एक्सपोजर मिला वो मुझे प्रकाश जी ने दिया आश्रम में। आश्रम की बात करें तो आश्रम में आपने बॉबी देओल के साथ काम किया है, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए, लोगों को लगता है कि बड़े बड़े एक्टर्स कोई बहुत विचित्र होंगे, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल लाइक अस। बस ये है कि उनको चांसेस ज़्यादा मिले हैं, उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिला है। मैं आपको बताऊं, लखनऊ में हमारे एक से एक अच्छे एक्टर्स हैं, और
ये तो नहीं कहूँगा कि वो बाबी देओल से ऊपर हैं, बढ़िया हैं, लेकिन अगर बाबी देओल सामने रोल करते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि उनके सामने फेस। अभी देखिए जैसे गुलाबों सिताबों यहाँ आई थी, लखनऊ के एक्टर्स थे हमारे, उसमें वाजपेयी जी थे, उनके दोस्त बने हुए थे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑरा नहीं होता है एक बड़े एक्टर का, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी एक इमेज होती है, उनकी एक पहचान मिली हुई होती है, तो उसको पूरा सम्मान देते हुए। एक मुझे फिल्म मिली थी वेलकम टू कराची, उसमें इरफान साहब के साथ मुझे रोल मिला था, मेरा लंदन का वीज़ा भी बन गया था, लेकिन इत्तेफाक से इरफान साहब ने किसी इशू की वजह से विड्रॉ कर लिया, तो फिर मेरा भी नहीं हुआ। अभी फिर मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ, उसकी लंदन में शूटिंग है जुलाई में, तो उसमें मेरा मेजर रोल है, आई हैव 26 डे शेड्यूल इन दैट फिल्म। आश्रम की बात तो कर ली, अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए, जैसे कि आपने बताया आश्रम 3 में भी नजर आने वाले हैं, आश्रम को काफी प्यार भी मिला था जनता का, रक्तांचल को भी काफी प्यार मिला था, और कौन कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप जनता को एक बार फिर एंटरटेन करने वाले हैं? देखिए जैसे उन्होंने मुझे जो बताया था कि रक्तांचल 2 के बाद में रक्तांचल 3 भी बनाएंगे, और इसी हिसाब से उन्होंने मेरा रोल लिया था, वो इसी हिसाब से उसकी फिनिश हुई है, उसका जो एंड हुआ है। और जैसे मैंने बताया अभी एक सीरीज़ मैंने बिंदिया की है, वो लखनऊ में भी काफ़ी शूट हुई, हालांकि मैं लखनऊ के उनके शेड्यूल में नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, वो मैंने बॉम्बे में शूट किया है, उसमें जज का रोल किया है। और उसके अलावा एक रोहतक सिस्टर्स करके है, वो मैंने किया है वेब सीरीज़। एक अभी मैंने अवधि फिल्म की है कटान, अभी उसका शूट ख़त्म हुआ है, मैं बॉम्बे 7-8 को था। ऐसे ही मैंने भोजपुरी फिल्म भी की है, मुझे प्यार के रंग में रंग सजना, अब रिलीज होने वाली है। तो मैंने कोशिश किया कि जहाँ भी मुझे ढंग का काम मिले वो मैं करूँ। एक कुछ फिल्में मेरी ऑलरेडी उस पर हैं भी OTT पे, जैसे एक लस्ट लव करके है, एक सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर करके है, तो कई मेरी जैसे बताया मैंने फिल्में रिलीज़ होनी है, कभी सेंसर से हो गई है निम्मो लखनऊ वाली, वो बच्चों की एक फिल्म है, वो लखनऊ में शूट हुई, लखनऊ के प्रोड्यूसर हैं, तो वो अभी आनी बाकी है। जैसे मैंने बताया ये अभी जो एंटी टेररिज्म गालिब फिल्म है, या वो है दीनदयाल उपाध्याय जी पे फिल्म है, तो काफ़ी फिल्में मेरी रिलीज़ में हैं। अभी मैंने एक फिल्म रायबरेली की है, रायबरेली की उसमें शूटिंग है, एक फिल्म मैंने की है नाच बसंती नाच, तो ये सब फिल्में पाइपलाइन में हैं। असल में क्या है कि OTT एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों के लिए, कि जो कम बजट में काम करते हैं, क्योंकि और जो बड़े आर्टिस्टों का क्रेज़ था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि आप OTT पे देखिए एक से एक नए नए अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, हमारे लखनऊ के कलाकार हैं, बम्बई के कलाकार हैं, कानपुर के कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के और जगहों के हैं, बिहार के हैं। OTT का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इन लोगों को, और जो प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूसर बनना चाहते थे कम बजट में फिल्म या OTT बनाना चाहे वेब सीरीज बनाना चाहते थे, उनको भी मौका मिला, नए हुनर को तो मौका मिल ही रहा है। ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करी जाए आपके, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? आप कौन सा ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं निभाया? क्योंकि हर एक एक्टर का, थिएटर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मुझे एक ऐसा किरदार निभाना है जो अभी तक किसी ने ना निभाया हो, या फिर कुछ अलग जो कि आप करना चाहते हो। नहीं देखिए दैट वे अब फिल्मों की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन थिएटर में क्योंकि मेरा बेसिक जो इंटरेस्ट है वो थिएटर ही है, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मुझे थिएटर में ही मिलता है। अभी लास्ट मेरा थिएटर जो है अभी 13 मई को हुआ है, मैंने आखिरी वसंत प्ले किया था यहीं गाडगे में जैम पैक्ड ऑडिटोरियम के सामने, सेटिस्फैक्शन मुझे उसी में मिलता है। तो उसमें आई हैव बीन रादर लकी आई मस्ट से कि मैंने हर तरीके के कैरेक्टर्स किए, जैसे इसमें मैंने एक ओल्ड एज का कैरेक्टर किया जिसके बच्चे बाहर चले गए हैं, आप जानते हैं आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब फादर जो हैं या फैमिली के लोग हैं, दे क्रेव फॉर देयर चिल्ड्रेन, एक खालीपन उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। मैंने सखाराम बाइंडर जैसा कैरेक्टर किया है, मैंने पंछी जा पंछिया में जो फिल्म गरम मसाला आई थी, जो अक्षय कुमार के कैसानोवा का रोल है,
मैंने वो भी किया है। मैंने यहूदी की लड़की में फारसी शैली में यहूदी का रोल किया है। रुस्तम सोहराब मैंने रुस्तम का रोल किया है। वीर अभिमन्यु मैंने अर्जुन का रोल मैथोलॉजिकल रोल किया है। कोई कॉमेडी रोल? कॉमेडी रोल मैंने किया है, पंचीजा पंचम जो कैसानोवा का रोल मैंने किया वो कॉमेडी ही है। ऐसे ही मैंने डार्लिंग डार्लिंग एक प्ले किया है, उसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है। ऊपर की मंजिल खाली में एक बूढ़े का रोल मैंने किया है जो यंग लड़कियों पे निगाह रखता है। यानी कि आपने अभी तक सारे रोल निभा लिए हैं। दैट वे आई मस्ट से कि आई हैव बीन वेरी लकी। और डायरेक्टर्स में भी मैं आपको बताऊँ, लोगों की बड़ी इच्छा होती है राज बिसारिया साहब जो हमारे यूपी की शान है, नॉर्थ इंडिया की शान, उनके साथ काम करने को भी मौका मिले। तो उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने उनके साथ दो प्ले किए। एक मैंने किया बेयर फुट इन एथेंस, जिसमें हमारे साथ शहर के बड़े बड़े एक्टर सूर्य मोहन, कुलश्रेष्ठ, मृदुला भारद्वाज, जुगल किशोर, ये लोग थे। फिर उनके साथ मैंने एक दो कैरेक्टर्स का प्ले किया जिसकी वो भी वो करना चाहते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनके साथ करने की। उसमें दो कैरेक्टर्स का प्ले है, मैंने सुशोभना ने किया विभास। सो दैट वे आई मस्ट से कि आई हैव बीन रादर वेरी लकी, मतलब गॉड हैज़ बीन ग्रेट एंड नाइस टू मी कि मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। जो यंग लड़के हैं, ललित सिंह पोखरिया के साथ भी मैंने काम किया, पुनीत अस्थाना के साथ भी मैंने काम किया, संगम बहुगुणा के साथ भी मैंने काम किया। सो और मुझे लगता है कि जैसे मेरी ट्रेनिंग किसी स्कूलिंग में नहीं, मतलब थिएटर स्कूल में नहीं हुई, लेकिन इन जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, करीब 30-35 डायरेक्टर्स के साथ, मैंने सबके साथ, सो भले मुझसे छोटे थे उम्र में, बट आई लर्न फ्रॉम देम एंड दैट इज़ द ट्रेनिंग विच आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस। और मेरा मानना है कि ये तो एक्टिंग तो समुद्र है, आप जितना तैराई करते हैं, जितना आप आगे बढ़ते हैं, उतना आपको लगता है समुद्र और गहरा है। तो अब जब मैं और एक्टिंग करता हूँ तो मुझे और मुश्किल लगता है और बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि आपसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप कुछ नया दिखाएंगे, कुछ अच्छा दिखाएंगे। सो दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। तो अभी जैसे मैंने प्ले आखिरी वसंत किया, मैं बहुत डरते डरते मैंने किया था, शायद अपनी यंग एज में मैं इतना कभी थिएटर करते डरा नहीं कोई था। ऐसा रोल जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली हो, जो काफी जिसको करने के बाद आप सेटिस्फाइड फील करे हो, आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने सबसे अच्छा रोल किया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक प्ले है यहूदी की लड़की, इस पे फिल्म भी आई थी यहूदी, उसमें सोहराब मोदी जी ने, दिलीप कुमार जी ने और मीना कुमारी जी ने रोल किया था। वो थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था और उसमें इत्तेफाक की बात ये थी कि यहूदी का रोल अनुपम खेर साहब कर रहे थे। तो आई हैव सीन हिम एक्टिंग इन दैट प्ले, हमारी ग्रुप से हो रहा था। लेकिन उसमें हुआ ये कि अनुपम खेर जी को बीच में जाना पड़ा, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो रोल कौन करे। एंड थपलियाल जी हैड कॉन्फिडेंस इन मी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये रोल करिए। अब मैंने खेर साहब को देखा था रोल करते हुए, कितना मुश्किल रोल था वो जी। तो मैंने थपलियाल जी से कहा कि थपलियाल जी, आई एम प्रिपेयर टू टेक दैट चैलेंज, बट देर इज वन कंडीशन, वी विल सिट 1-to-1 एटलीस्ट फॉर ए वीक, और उसकी एक एक लाइन हम रिहर्स करेंगे और जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए मैं कर ले जाऊंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए मैं कर ले जाऊंगा, तब उसको अनाउंस करेंगे। और वही हुआ, हम और थपलियाल जी और एक प्रॉम्प्टर के साथ 3 दिन हम लोगों ने अकेले बैठ करके अलग रिहर्सल की। इसी तरीके से सखाराम बाइंडर जब मैंने किया, क्योंकि सखाराम बाइंडर बिल्कुल मेरे वो, उसका डायलॉग है मुँह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। अब मैं ना बीड़ी पीने वाला ना गाली बकने वाला, उसमें ही मैंने बच्चन जी ने डायरेक्ट किया था, मैं 1-to-1 उनके साथ बैठ के मैंने एक एक डायलॉग प्रैक्टिस किया। तो सखाराम बाइंडर तो बहुत बोल्ड प्ले था, लेकिन यहूदी की लड़की एक ऐसा प्ले रहा जो व्हेन आई डू इट आई रियली एंजॉय डूइंग इट। मतलब मैंने इसका लास्ट शो 2010 में किया था, लेकिन उसके डायलॉग आज भी मेरे दिमाग में वैसे ही घूमा करते हैं जैसे कल ही की बात हो। तो दिस हैज बीन ए प्ले वेयर आई हैव रियली एंजॉयड एक्टिंग। कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहें, क्योंकि हर एक क्रिएटर आर्टिस्ट का, हर एक स्टार का एक सपना होता है कि मैंने इन इन स्टार्स के साथ काम कर लिया है, अब मुझे इस स्टार के साथ भी काम करना है, तो वो कोई ऐसी हस्ती जो आपकी रोल मॉडल हो या फिर आप जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हो? देखिए, ऐसा रोल मॉडल तो मेरे पुराने एक्टर्स रहे हैं, जैसे संजीव
कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी थे, या नसीर साहब हैं। नसीर साहब के साथ बड़ी इच्छा है कि बड़े नपे तुले एक्टर हैं वो, कभी उनके साथ मौका मिले। और बाकी भाई ख्वाहिश रहती सबकी कि अमिताभ बच्चन के साथ करें। और मेरे एक डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने रायबरेली डायरेक्ट की है, उन्होंने कुछ फिल्में अमिताभ बच्चन जी की भी डायरेक्ट की हैं, और उनका कहना यह है कि मैं बहुत जल्दी एक फिल्म करने वाला हूँ जिसमें आप अमिताभ जी के अगेंस्ट रोल करेंगे। तो ये है। और बाकी तो देखिए अब चीज़ें बदल रही हैं। आज जो स्टार्स हैं वो अगर आप एक्टिंग वाइज लें तो शायद उतना नहीं खड़े उतरते हैं जितना कि NSD के गए हुए लोग। आज आप देखिए जो फिल्म है बेसिकली उसमें जो एक्टर जो नाम कमा रहे हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, वो लोग थिएटर से गए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो थिएटर से जो लोग जा कर के गए हैं वो एक्टिंग में ज़्यादा कमाल कर रहे हैं बनिस्बत जिनकी स्टार वैल्यू है। तो आई प्रेफर्ड वर्किंग विद those who have gone from theater. अगर बात करें फिल्म और थिएटर तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है, आपकी नजर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो आपको सीधे रिस्पांस ऑडियंस से मिलता है। ऑडियंस इज देयर, यू सी। और मैं आपको बता दूं ऑडियंस रिस्पांस पे एक्टर की एक्टिंग बहुत डिपेंड करती है। अगर ऑडियंस रिस्पांस अगर नहीं है तो एक्टर का ग्राफ कम ना, मेरे जैसे एक्टर का ग्राफ, हालांकि मैं अपने को एक्टर अभी नहीं मानता हूँ, एक स्कूल का एक ट्रेनी ही मानता हूँ, वो गिरता जाता है। फिल्म में ऐसा नहीं है। फिल्म में तो आपने कुछ बोला डायरेक्टर को, नहीं नहीं कट, दूसरा कर लिया, या आपने अच्छा भी बोला। अभी जैसे मेरा एक ऐड आता है क्रेड का, आपने देखा होगा, जैसे मैंने करिश्मा जी के साथ किया है, तो उसमें एंड में मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि कुछ घटिया इनको छोड़ो, करो टाटा और इसको ये करो। तो अब वो उसमें मुझे डायरेक्टर ने लिबर्टी दी, मैंने 10 तरीके से बोल करके उनको बताया कि मैं 10 तरीके से, इसमें आपको जो बेस्ट लगे आप रख लीजिएगा। वो वहाँ नहीं होता है स्टेज में। स्टेज में यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू हैव फुल कॉन्फिडेंस विथ फुल सिंसियरिटी विथ फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में कभी भाई आपने शॉट दिया, नहीं पसंद आया, कट हो गया, या कभी कभी आप एक शॉट देते हैं उसको भी डायरेक्टर कई एंगल से लेता है। तो फिल्म और थिएटर में बहुत डिफरेंस है। यानी यही एक डिफरेंस है कि जो लोग थिएटर करते हैं और जो उसमें पैच या फिर कट नहीं होता है, रीटेक नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें परफेक्शन आ जाता है, यानी रीटेक ना लेने की कला, एक बार में ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी, क्या यही वजह है कि एक अच्छा एक्टर बनाती है थिएटर के जरिए, एक अच्छा एक्टर निकलता है? मुझे लगता है कि थिएटर से जो लोग ज्यादातर निकलते हैं वो वन टेक आर्टिस्ट जिसको कहते हैं कि वो निकलते हैं, क्योंकि उनको दोबारा बोलने की आदत ही नहीं होती। वो बात अलग है कि डायरेक्टर बार बार बुलवाते हैं, करते हैं, क्योंकि देखिए मुझे मेरा मानना है कि स्टेज में एक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 70%, बाकी चीज़ें और डायरेक्टर और अलां फलां होता है। फिल्म में एक्टर का कंट्रीब्यूशन 35-40% होता है, रेस्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें डायरेक्टर है, कैमरामैन है, लाइट है, म्यूज़िक है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैं थिएटर को ज़्यादा, फॉर एन एक्टर ज़्यादा चैलेंजिंग मानता हूँ। ऑफ कोर्स एक्सपोजर जो आपको मिलता है, पहचान जो आपको मिलती है, वो फिल्म से ज़्यादा मिलती है, बिकॉज यू आर सीन वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया में देखें, अब जैसे मेरी फिल्म मुक्ति भवन जो है, मुक्ति भवन कम से कम 45-50 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, जापान में 150 दिन वो फिल्म चली है। तो आप सोच सकती हैं कि उससे आपको कितना इंटरनेशनल एक पहचान मिलती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फर्स्ट टेक में एक बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया हो, अच्छी आपकी डायलॉग डिलीवरी रही हो, और दूसरी बार में वो इमोशन, वो डायलॉग डिलीवरी ना आते हो? क्योंकि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप फर्स्ट शॉट, फर्स्ट टेक बहुत बेस्ट दे सकते हैं, और हर एक थिएटर आर्टिस्ट भी दे सकता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट टेक हुआ हो वो काफ़ी बेहतरीन हुआ हो और दूसरी बार में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो? हाँ, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि देखिए थिएटर के एक्टर में अगर इमोशंस लाने होते हैं, अब जैसे फिल्म ये मैंने अभी किया था प्ले आखिरी वसंत, इट मेड पीपल क्राइड
एंड आई ऑल्सो क्राइड ऑन द स्टेज. मुझे इमोशन, तो वो इमोशंस जो हैं वो फिल्म में एक बार में तो आपके आ जाएंगे, लेकिन जब रिटेक होगा तो यू सी इट्स नॉट ए एक मैकेनिकल चीज़ ऐसी नहीं होती है कि आपको बार बार आए. तो उसमें तो लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टेज पे हम इसको बड़ा चैलेंज मानते हैं कि अगर आपका वाकई में ऐसा सीन है, इमोशनल सीन है, एंड इफ यू कैन ब्रिंग टीयर्स इन योर आईज, दैट इज आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी क्रिएटिव थिंग दैट यू डू. और ये होता है, मेरे साथ तो होता है. तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कोई ऐसा अवार्ड जो कि आपका फेवरेट हो? यूं तो आपको कई नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, कई नेशनल अवार्ड्स से आपको नवाजा गया है, लेकिन आपका फेवरेट अवार्ड कौन सा है? अवार्ड्स के बारे में भी जानना चाहेंगे. देखिए, मुझे यूपी संगीत नाटक अकेडमी के भी अवार्ड मिले हैं, मुझे साइंस में भी, मैं नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज का फेलो हूँ मैं, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में मुझे यश भारती भी मिला है, जो यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है, मैं यूपी संगीत नाटक अकादमी का फेलो भी हूँ, अवार्डी भी हूँ, लेकिन अभी हाल में मुझे जो अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, कालिदास सम्मान, जिसको मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि कालिदास सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है जो कि नेशनल अवार्ड है, साल में एक को दिया जाता है पूरे हिंदुस्तान से, वो जो मुझे मिला तो मैं बहुत गौरवान्वित हुआ, और मुझे लगा कि शायद, पता नहीं मैं इसको डिज़र्व करता था नहीं करता था, बट आई गॉट इट एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ प्लेजर, लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. मैं बस क्या कहूँ, उस सम्मान को मैं अपना सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ अभी तक जो मुझे मिले. हमने आपके सफर के बारे में भी जान लिया, थिएटर, रेडियो, फिल्म, सीरियल, सभी चीज के बारे में बात कर ली. अब हम जानना चाहेंगे आपके साइंटिस्ट के सफर को, कि आपने एज अ साइंटिस्ट किस चीज पे रिसर्च करी है, आपकी एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे. देखिए, मैंने एमएससी की बायोकेमिस्ट्री से, मेरा पहला बैच था लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो कि बायोकेमिस्ट्री में निकला था. आज तो हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है, बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकले हैं जिनको पद्मश्री मिली है, जो डायरेक्टर्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, वो डिपार्टमेंट हमारा, मेरा पहला बैच था. मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया, और मुझे फौरन ही मुझे जॉब मिल गया था सीडीआरआई में. तो मैंने जो रिसर्च स्टार्ट की थी वो मैंने की थी पैरासिटिक डिजीजेस, क्योंकि वो प्रायोरिटी के हिसाब से होता, हमारे मुल्क की क्या प्रायोरिटीज़ हैं. तो उस समय ये अमीबिक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, डिसेंट्री वगैरह बहुत होती थी इधर ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, कालाजार बहुत फैला हुआ था, बहुत होता था. तो हमने अमीबा पे भी रिसर्च की, लीशमानिया पे भी रिसर्च की, लेकिन बाद में काफ़ी, मेरी थीसिस भी लीशमानिया के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं अपने मिडिल ऑफ कैरियर में आया तो मेरा टॉपिक बदला गया और मैंने डायबिटीज़ पे रिसर्च शुरू की. डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, क्या पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो उसमें बाद में हमने कोलेबरेट किया, डेनमार्क की एक फर्म है नोवो नॉर्डिस्क, जो कि सबसे बड़े इंसुलिन मैन्युफैक्चरर माने जाते हैं, और पहले इंसुलिन उन्होंने बनाई थी, उनके साथ मैंने कोलेबरेट किया. उसके सिलसिले में चार पाँच बार मैं कोपेनहेगन भी गया. तो बाद की जो मेरी रिसर्च थी उसमें मैं कोऑर्डिनेटर भी हुआ, प्रोजेक्ट्स मेरे अंडर रहती थी, तो उसमें डायबिटीज़ एंड हाइपोलिपिडिमिक मींस जो दवाएं आपके रक्त कोशिका में, आपके वेन्स आर्टरीज में फैट को कम करती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हार्ट अटैक्स वगैरह होते हैं उसमें वसा जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाते हैं. तो एंटी लिपिडिमिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, इसके हम लोगों ने टेस्ट मॉडल्स डेवलप किए. हम लोगों ने यहाँ, हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर थे प्रोफेसर बी एन धवन, और बाद में डॉक्टर सी एम गुप्ता, डॉक्टर कम्बोज, इन लोगों की प्रायोरिटी थी ऑन हर्बल प्लांट्स. तो जो हमारा इंडिया जो है हर्बल प्लांट्स में बहुत रिच है, तो उन हर्ब से हमारे जो केमिस्ट्री डिवीज़न है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट निकालते थे. हम उनकी टेस्टिंग करते थे कि कौन से एंटी डायबिटिक इफेक्टिव हैं, और उसको हम उनके साथ कोलेबरेट करके उसको डेवलप करने की कोशिश करते थे. तो बाद की मेरी रिसर्च जो थी वो उस पर थी. तो मैंने पेपर्स भी बहुत से पब्लिश किए जो कि इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स में हुए. मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं. लेकिन इस चीज़ में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं थिएटर कर सका और साइंस भी कर सका,
इसमें मुझे थिएटर के लोगों का भी मुझे बहुत प्यार और बहुत सहयोग मिला और मेरे CDRI के लोगों को मिला, ना सिर्फ मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में था, शुरू में बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में था, वहाँ के लोगों का तो सहयोग मिला ही, मुझे पूरे इंस्टीट्यूट का सहयोग मिला, क्योंकि बाद में डायरेक्टर्स ने मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दे दी, इसके ये भी देखना वो भी दे, जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, तो मेरे पूरे इंस्टीट्यूट के लोगों ने, मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे हेड्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने जो सपोर्ट मुझे किया, तो आई मस्ट से आई बीन वेरी लकी दैट वे, क्योंकि ऐसा सपोर्ट मिलता नहीं है लोगों को, टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं, सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, यूपी लखनऊ ऐसी जगह पे कई टीमें आ रही हैं, बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग करी जा रही है, अलग अलग फिल्मों की भी शूटिंग होती है, तो जब यहाँ पे हब बन जाएगा, यूपी में बॉलीवुड सिटी बन जाएगी, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, फिल्म सिटी से कितनी प्रतिभाओं को निखारा जा सकेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए फैसला बहुत सही है, लेकिन उस फैसले से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि वो नोएडा में फिल्म सिटी बना रहे हैं। अगर आप देखें, इधर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें, तो जितनी फिल्में इस रीजन में, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, यहाँ जितनी फिल्में शूट हो रही हैं, नोएडा वगैरह में इतनी फिल्में नहीं बन रही हैं। अगर ये यहाँ कहीं बनाते, आप देखिए कि लोकेशंस जो हैं वो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज में हैं, होटल यहाँ सस्ते मिलेंगे अगर टीम से यहाँ पर आकर के रहती है, और आप देखिए कि भले ही वो वहाँ पर फिल्म सिटी बनाएं, लेकिन जो यहाँ एक सेंटर बन गया है उसको मिटाना बड़ा मुश्किल, और उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता वो हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को होता, भाई अयोध्या हमारा इतना बड़ा वहाँ पर मंदिर बन रहा है, जो भी यहाँ लखनऊ, अब नोएडा से तो कोई अयोध्या आएगा आई डाउट वेरी मच, लेकिन लखनऊ में होता तो ज़रूर जाता, हमारी चिकन इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिलता है, जो हमारी चिकन कारी होती है। आप देखिए कि यूपी में लखनऊ का खाना बड़े लजीज खानों में माना जाता है, अभी हमारी एक बहू का रोल करती थी एक सीरियल में, उसने लखनऊ के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट खोला मुंबई में, लोखंडवाला में, और मैंने उसको हमारे उनका एक वीडियो था मीर जाफर साहब का, मैंने उसको भेजा कि क्या क्या हमारे यहाँ की डिशेज होती हैं, तो हमारे यहाँ की फूड इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिलता। तो अब खैर ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विचार है और लोगों का विचार है, मैं उसको कंट्राडिक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, अच्छा ही है, लेकिन अगर ये हमारे लखनऊ कानपुर की बेल्ट के आसपास अगर कहीं बनता, तो जो आप देखिए भारतीय नाट्य अकेडमी भी यहाँ पर है, उससे बहुत लोगों को एक्सपोजर मिलता, बहुत लोगों को काम मिलता, और काम मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, यूपी में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने थिएटर से लेके फिल्म तक का, बड़े पर्दे तक का सफर किया है, और जो ये बड़े पर्दे तक का सफर तय किया है, तो आप यूथ को बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, अगर वो अपना करियर देख रहे हैं एक्टिंग में, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, कैसे वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? मैं यही कहूंगा कि देखिए ट्रेनिंग तो हर एक को नहीं मिल सकती है, क्योंकि भारतीय नाट्य अकेडमी में 20 बच्चों की लिमिटेशन है, 20 बच्चे एडमिट होते हैं, NSD में भी मेरा ख्याल है 20-25 बच्चे हर साल एडमिट होते हैं, तो और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं दे चार्ज लॉट ऑफ मनी, जो कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो जो सबसे बढ़िया ट्रेनिंग मिलती है वो मिलती है थिएटर में, लेकिन इन बच्चों को थिएटर को सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए कि हमने एक दो थिएटर नाम पे कर लिया, भाई हमने थिएटर कर लिया अब चलो फिल्म में भागते, नो, If you have to do theater, you have to do with full sincerity, with full commitment. अब मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब थिएटर करते थे तो हम सिर्फ अपना रोल तो करते ही थे, हम डायरेक्टर को देखते थे, डायरेक्टर औरों को क्या बता रहा है, कल पता नहीं मुझे कौन सा रोल करने को लिए मिल जाए, तो दैट वे यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आप अपने रोल के बारे में सीखते हैं, आप दूसरे रोल्स के बारे में, तो सबकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जब थिएटर शुरू किया था उस समय कोई कैरियर नहीं था, हम सिर्फ स्वांता सुखाया करते थे, भाई हमें लोग तारीफ़ करते हैं, अखबार वाले तारीफ़ लिखते हैं, हमें खुशी होती है, लेकिन आज ये बहुत बड़ा करियर हो गया है, हमारे समय कैरियर नहीं था। आज आप देखिए कितने टेलीविज़न चैनल्स खुल गए, उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, जब मेरा उड़ान आता था सिर्फ DD1 था, आज कम से कम 400-500 चैनल, हर चैनल काम कर रहा है, हर चैनल में एक्सपोजर मिल रहा है,
तो वैसे ही स्कूल खुल गए और हमारे समय में हम लोग जॉब में थे जब हम थिएटर करते थे। आज बच्चे इसको अपना कैरियर बना रहे हैं, तो कैरियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत भी करें। आप जो भी काम करें, जो थिएटर करें, रोल कोई छोटा नहीं होता, छोटा रोल भी मिले उसको भी। मैं आपको बताऊं, मैंने जय सोमनाथ एक प्ले किया था, उसमें मेरे गुरु राजेश्वर बच्चे ने कहा अनिल चोपदार का रोल मिले तो वो भी कर लेना, बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ तुम्हें काम करने को मिल रहा। 1967 के बाद मुझे चोपदार का ही रोल दिया गया। उसके बाद मेरा काम देख के मुझे प्रमोशन हुआ, मैंने गजनी के सिपाही सालार का रोल किया। वो फिर और मुझे प्रमोशन हुआ, उसमें जो मेन विलेन था शिवराशि, मुझे उसका रोल मिला जिसने मंदिर के पट खोल दिए थे विक्षिप्त होकर के। तो कोई रोल छोटा नहीं होता, अगर वो भी मिलता है चाहे थिएटर में हो चाहे फिल्म में हो, उसको पूरी सिंसेरिटी के साथ करिए। डायरेक्टर जो बताता है उसको अपने मन में उतारने की कोशिश करिए, उसके घर पे प्रैक्टिस करिए। आज लोग बच्चे रिहर्सल करते हैं डायलॉग ज़्यादा, अरे मैं तो कर लूँगा, नो, आप उन डायलॉग्स में क्या खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। आज तो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यू कैन रिकॉर्ड इन योर कैमरा, यू कैन आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि आप कैसे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो डू वॉट एवर यू लाइक, डू इट विथ फुल सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट, एंड द फ्यूचर ऑफ एक्टिंग आर एनी आर्ट फॉर्म इज वेरी वेरी ब्राइट दीस डेज, आई मस्ट से। आपने एक्टिंग की टिप्स तो दे दी, लेकिन अब बात करेंगे बहुत अहम चीज की, डाइट की, क्योंकि डाइट फॉलो करना हर एक एक्टर के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है, और अपनी हेल्थ को फिट रखना ये काफी जरूरी है एक एक्टर के लिए, क्योंकि लंबा शूट करना होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, बहुत ट्रैवल भी करना होता है, तो ऐसे में अपनी हेल्थ को परफेक्ट रखना, फिट रखना कितना जरूरी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डाइट के बारे में तो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एज ए एक्टर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। मैंने देखा है मेरे साथ के कई एक्टर देखते देखते वो बेडॉल हो गए हैं या कुछ हो गए हैं, बेडॉल होने पे भी रोल मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, आप खाना बैलेंस्ड खाते हैं, तो जाहिर है कि यू रिमेन हेल्दी। और इसके लिए हेल्थ तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत बार जब आप लंबी शूटिंग पे होते हैं आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं कि आप एक्सरसाइजेस भी कर सकें या कुछ कर। मुझे याद है जब जो लोग डेली सोप्स करते हैं वहाँ जब मेरे को एक्टर्स आते हैं जो बॉडी बिल्डर थे, वो अपना जिम का सामान भी ले आते थे वहीं कि भाई मैं उसी में करूँगा। तो देखिए, हेल्थ रहना और अपना अच्छा शरीर रखना, अच्छा भोजन रखना, बैलेंस खाना खाना, ये तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। आज आई एम 79 ईयर्स और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद लखनऊ में उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़े जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें शायद राजबिसारिया साहब ही हैं जो कि 87 ईयर्स के हैं, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ जब मैं उनको, जब वो एक्टिंग करके हमें बताते हैं। आप बताइए, मुझसे इतना ज़्यादा बड़े हैं, तो आई विश कि मैं भी उनकी एज तक जा कर के उतना ही एक्टिवली मैं काम करता रहूँ। दिस इज़ माई एम्बिशन, अब देखिए पूरी कहाँ तक हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को अपने सफर के बारे में बताने के लिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी जुड़े थे, जो कि एक बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर तय किया है। अपनी जर्नी वो अभी भी जारी रखे हुए हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं उस उम्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, लोगों के दिल में एक अहम जगह बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।